कालका से शिमला एक टॉय ट्रेन है और इस टॉय ट्रेन की यात्रा में जो प्रकृति के नज़ारे मिलते हैं वो है एक मनमोहक झांकी, सुंदर मनोरम घाटियां और मनमोहक नज़ारे। इस रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों के चेहरे पर खिड़की से बाहर के प्राकृतिक नज़ारे देखकर जो सुकून झिलमिलाता है, तो इस रेलवे ट्रैक के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा भलखू का नाम अनायास ही जहन में चले आता है, क्योंकि 108 टनल वाले इस रेलवे ट्रैक पर बड़ोग टनल भला कौन भूल सकता है। कर्नल बड़ोग एक रेलवे इंजीनियर थे। 1898 में उन्हें इस टनल का काम सौंपा गया, लेकिन वो इसे पूरा नहीं कर पाए और अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर जुर्माना किया 1 रुपया। ये उन्हें एक सदमा लगा और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। सुरंग आज भी वही है, वो अधूरी सुरंग और कर्नल बड़ोग की कब्र भी। कहा जाता है फिर सोलन में टनल नंबर 33 जो बाबा भलखू नाथ के योगदान से पूरा हुआ, उसके आसपास आज भी उनकी आत्मा भटकती हुई दिखाई देती है और इसे हॉन्टेड टनल कहा जाता है। ट्रैक को पूरा करवाने वाले बाबा भलखू को संत माना जाता है और उनके सम्मान में हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच एक कार्यक्रम का आयोजन करता है हर साल, और इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए बाबा भलखू स्मृति कालका शिमला रेल साहित्य यात्रा एवं संवाद 2023 का आयोजन 8 और 9 जुलाई को किया गया। बाबा भलखू की याद में ये समारोह मनाया जा रहा है और ये रेल यात्रा है, ये साहित्य संवाद है 2023, और ये जो टॉय ट्रेन है शिमला से शुरू होती है और ये यात्रा रहती है कालका तक। सभी बड़े लोग जो माननीय हैं वो इससे जुड़ते हैं, पूरे देश से यहाँ लोगों को आमंत्रित किया जाता है और ख़ासकर जिनका विशेष योगदान रहा है वो यहाँ ज़रूर मौजूद होते हैं। तो क्या है उनके अनुभव, आइए जानते हैं। केवल मैं इस बार किसी पर्यटन पर नहीं आई हूँ, मुझे पता है कि इस बार मैं एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम बनने आई हूँ। ये एकमात्र सफ़र ऐसा है जिसमें हम चाहते हैं सफ़र ही चले, और जिस तरह का आप माहौल देख रहे हैं, जो जैसे आयोजन हो रहा है, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में अनूठा है अपने आप में, एंड इन कमिंग टाइम ये एक हिस्टोरिकल इवेंट बनने वाला है। तो हमारी एक श्रद्धा है बाबा भलखू के प्रति कि ये इतना अच्छा आयोजन है, तो हम भी इस आयोजन का हिस्सा बने और अपनी श्रद्धांजलि, कल जैसे कि हमारा जो साहित्यिक दल है उनके गांव भी जाएगा, तो उनके घर जाकर उस पुण्यात्मा को हम श्रद्धांजलि देंगे। इस रेल यात्रा के माध्यम से बाबा भलखू के जीवन से परिचय कराना, अगर उसमें मैं कुछ सहयोग देती हूँ या इस बहाने में खुद कुछ जानती हूँ और घर जाकर अपने बच्चों को कुछ बताती हूँ, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम सिद्ध हो जाएगा। आप ये देखते हैं, हम लोग जब जाते हैं इतनी स्मूथली ट्रेन निकल जाती है, सारी गुफा सेंटर से जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक वास्तुशिल्प की कलाकारी है जो उन्होंने उस समय करके दिखाई थी, जब हमारे पास ना तो इतने औजार थे, ना इतनी बड़ी ट्रेनिंग थी और ना उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री थी विदेश। अपने आस पास क्या हुआ है, कौन हमारे हीरोज थे, किसी तरह के आयोजन से उन्हें पता चलेगा, हम उन्हें बताएंगे कि हाँ बाबा भलखू कौन थे, और मुझे लगता है वो अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप अमेरिका के जुकरबर्ग को आप फेसबुक या उस तरह के पूजों के लिए आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, और आज हम भी इसमें इस यात्रा में इसीलिए जुड़े हैं कि एक दिन हम उस पुण्यात्मा के प्रति दें जिसने अपने जीवन का इतना योगदान दिया है हमारे लिए, कि आज हम पहाड़ी राज्य भी जो है वो रेल का सफर कर सकता है, या बचपन से लेके हमारे बच्चे जो है वो रेलगाड़ी को देख सकते हैं। किसी की इतनी मेहनत लगी है, इतना निस्वार्थ किसी ने ये किया है, जो एक इतिहास में नाम अपना वो दर्जित कर गए हैं, ये हमारे बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि बचपन से जिसमें हम गए हैं, पूरे आर्म फोर्सेस के बड़ी बड़ी यूनिट्स को मूव किया है, और रेलवे का अपना इतिहास है, और सचमुच जब हम हेरिटेज जीते
अच्छी अच्छी रेलवे लाइन थी, कुछ एक दो को तो मैंने भी देखा बाहर, वो सब पीछे हट गए। अब हमारी जो ये पूरी रेलवे लाइन है जिसमें 103 टनल आप जानते हैं, जिसमें आर्क ब्रिजेज हैं, जिसमें एक अपनी प्रकार का बनाया हुआ एक मैं समझता हूँ इंजीनियरिंग का एक नमूना है इतिहास के लिए भी, वो भी बच्चों को याद होना चाहिए कि इतनी पुरानी रेलें होने के बाद आज हमारी रेलें चल रही है और देश की एकता अखंडता में इसका अपना बहुत बड़ी भूमिका है। तो जहाँ इस समय पर हम उन महापुरुष श्री भलखू बाबा को भी याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं।